हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम कवर कर रहे हैं क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर वन, जिसमें से हमारे तीन चार लेक्चर्स हो चुके हैं और हम चलने वाले हैं अगले रिएक्शन पे, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने इसके पहले दो रिएक्शन कवर किए, पहला है हमारा कॉम्बिनेशन एंड दूसरा है जस्ट उसका अपोजिट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले सामने आ जाती है एक्टिविटी 1.9। स्टूडेंट, एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्टिविटी पे हमें खास फोकस करना है। तो एक्टिविटी में बोल क्या रहा है, आइए देखते हैं। तो एक्टिविटी में बोल रहा है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम विथ बाय रविंग विथ सैंड पेपर। मतलब आपको 3 आयरन की क्या ले लेनी है, नेल्स ले लेनी है और उनको सैंड पेपर से रब कर देना है कि उस पर कोई भी रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी रस्टिंग नहीं होगी तभी जाकर के प्रॉपर रिएक्शन हो पाएगा। तो उसके बाद क्या करना है हमें, टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसके बाद हमें क्या करना है, 10 ml का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, CuSO4। ओके, टाई टू आयरन नेल विद अ थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हाँ, एक चीज और, ये आप बहुत अच्छे से याद रखनी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर होता है दैट इज ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एपरेटस हमारे सामने आ जाता है। हमारे पास एक स्टैंड है प्रॉपर और उसमें एक टेस्ट ट्यूब को हमने होल्ड करके रखा है। ये पूरी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे 2 आयरन नेल है, उसको थ्रेड से हमने यहाँ पे हैंग कर दिया है। ये आपकी 2 आयरन नेल्स है ना, ये और ये। ठीक है, फिर क्या किया गया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया गया है जिसका कलर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, दैट इज ब्लू। ओके, फिर क्या बोल रहा है, अबाउट 20 मिनट, मतलब आपको ये हैंग करके 20 मिनट तक रखना है। आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। अब यहाँ पे क्या करना है, कीप 1 आयरन नेल, एक आयरन नेल को हमको अलग से बाहर रखना है क्योंकि हमने 3 आयरन नेल्स ले रखे थे ना, तो यहाँ पे 2 तो हमारे पास पहुंच गए इस सॉल्यूशन के अंदर, 2 आयरन नेल, एक हमारे पास बाहर भी है, कंपेयर करने के लिए आफ्टर रिएक्शन उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पहले से ही रखा है, उसका कंपेयर करना है कलर इस टेस्ट ट्यूब से। तो 20 मिनट के बाद इसका कलर काफी डल हो जाएगा और आयरन नेल के ऊपर कॉपर की आपको क्या दिखाई देगी, एक लेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया उसको, आगे चलते हैं। तो यहां पे देखिए वो कंपैरिजन हमारे सामने आ जाता है। डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए हमारे पास आयरन नेल है जिसको हमने यहां पे डिप नहीं किया था, हमने बाहर रखा था। ओके, और यहां पे ये आयरन नेल है जो कि काफी किस कलर की हो गई है, कॉपर के कलर की हो गई, ब्राउन कलर की हो गई है ना। क्यों, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये जो है आयरन नेल है जिसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हमने लिया है, तो यहां पर वो किस कलर का दिख रहा है, काफी ब्राउन दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा होगा इसमें। ओके, फिर इधर देखते हैं, यहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब ए का, जो हमने पहले ही अलग से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपैरिजन के लिए रख दिया था, और यहां पे आयरन नेल हमने जो डिप करके यहां पे आयरन नेल रखा था, ये वो वाली टेस्ट ट्यूब है। इसका कलर आप देखो, ये काफी डल हो गया है जबकि ये बिल्कुल ब्राइट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो यहां पे हमें 2 कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि आयरन नेल का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर कॉपर की एक लेयर आ जाती है। दूसरा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का रखा हुआ था सॉल्यूशन जिसका आफ्टर रिएक्शन कलर काफी डल हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली वो हमें दिखने लगता है वाटर की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनीज इन कलर। ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि क्यों आयरन नेल जो है वो किस कलर का हो गया है, ब्राउनिश हो गया है। ठीक, एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये ब्लू सॉल्यूशन है हमारा, ये क्या हो जा रहा है, ये फेड हो जा रहा है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए है
कि यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, चलिए तो हमें अगर इसे समझना है तो चलिए मैं एक आपको एक तरीका बताता हूं, आप बहुत सिंपल तरीके से सीख लोगे। जैसे हमारे पास ए बी एक रिएक्टेंट हो गया प्लस, ठीक है, यहां पर दूसरा रिएक्टेंट हो गया सी, फिर क्या होता है रिएक्शन के बाद यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा हो जाएगा क्या, ए सी प्लस बी। क्लियर? तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले तो हमारा यहां पे क्या था, एक रिएक्टेंट ए बी था, ठीक, उसने रिएक्ट किससे किसके साथ किया, एक दूसरे रिएक्टेंट सी के साथ रिएक्ट किया, तो यहां पर क्या होता है बी को सी ने क्या कर दिया, वहां से भगा दिया, बी को वहां से भगा दिया कि जाओ, क्योंकि जो सी है वो ज्यादा पावरफुल था, ठीक है, हाईली रिएक्टिव था, तो इसने क्या किया बी को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, ये जो सी है यहां से उसने बी को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आकर के यहां पे ए के साथ उसने बना लिया पेयर और बी रह गया अकेला। तो क्योंकि यहां पर एक रिएक्टेंट का एक काउंटर पार्ट दूसरे के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि यहां पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट है जिसमें से एक रिएक्टेंट क्या कर रहा है, दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अब हम करते हैं रिएक्शन के साथ यही जो हमने अभी एबीसीडी के साथ किया, वेरिएबल्स के साथ किया है, आइए करते हैं हम रिएक्टेंट के साथ। चलिए देखते हैं, यहां पे हमने क्या ले रखा था, आयरन नेल ले रखा था ना, आयरन नेल लिया था कि नहीं लिया था, तो ले रखा था हमने आयरन, आयरन का सिंबल हो गया, और ये किस में होता है बच्चों, सॉलिड में होता है, नेल हमेशा सॉलिड में ही आपने देखा होगा, ठीक, प्लस हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हमने लिया, और किस फॉर्म में लिया, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि हमने वाटर में इसको डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है, फिर क्या होता है इनके बीच में होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेस कौन किसको कर रहा है, आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर ध्यान से आप देखो तो यहां पर जो आयरन है वो कॉपर को क्या करने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है, कॉपर को क्या करने वाला है, ये आयरन, आयरन जो है कॉपर को क्या करने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है, तो जब इसको आयरन कॉपर को हटाएगा यहां से तो उसकी जगह खुद जा करके पहुंचेगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस, ठीक है, उसके नहीं FeSO4 प्लस, अभी और क्या बच रहा है हमारे पास, कॉपर बच रहा है ना, कॉपर बच गया, ठीक है, तो यहां पे हो गया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसने अपना सॉल्यूशन बना लिया और कॉपर को जस्ट अलग कर दिया, जो कि हमको क्या दिख रहा था, उस आयरन नेल के ऊपर एक लेयर दिख रही थी किसकी, कॉपर की, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी में कुछ लाइंस दी गई हैं, आइए देखते हैं उन लाइंस का मतलब क्या है। देखिए, इन दिस रिएक्शन आयरन नेल डिस्प्ले, आयरन हैज डिस्प्लेड और रिमूव अनदर एलिमेंट, आयरन ने क्या किया, किसी अनदर एलिमेंट मतलब Cu को उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे कुछ और सॉल्यूशन, सॉरी कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं जिससे हमें क्लियरली पता चल जाए कि ये रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको और आगे लेके चलता हूं, ये कुछ और रिएक्शंस करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहां पे है हमारे पास एक और रिएक्शन, दैट इज जिंक। यहां पे हमने क्या ले रखा है, जिंक ले रखा है, जिंक है, फिर क्या है,
कॉपर सल्फेट है, क्या बन रहा है जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जा रहा है, कॉपर को सब भगा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे है लेड, फिर कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे लेड क्लोराइड, फिर कॉपर को भगा दिया उन्होंने। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉपर ही डिस्प्लेस हो रहा है, इसका आंसर हमको मिलने वाला है जस्ट अगले पेज में। क्यों? क्योंकि वहां पे हम क्या देखने वाले हैं, सॉरी एक अगले चैप्टर में हम देखेंगे, वहां पे हमें मिलेगा क्या, एक रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर की तरफ रहेंगे, और जो मेटल बहुत लीस्ट रिएक्टिव है वो नीचे रहेंगे, और जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वो क्या रहेंगे, बीच में रहेंगे, मिडिल में रहेंगे। तो जितना ऊपर एलिमेंट रहेगा उस सीरीज में, वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या करने लगेगा, डिस्प्लेस करने लगेगा, ठीक है। तो वही चीजें हैं, बिकॉज हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, केवल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें वो सीरीज अभी मेमोराइज नहीं करनी है, अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दो और रिएक्शन, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम जिंक, वो भी किस फॉर्म में है, सॉलिड में। फिर हम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, सॉल्यूशन का ब्लू होता है, हमें पता है। फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, और अलग क्या बचा रह जाता है, कॉपर बेचारा बचा रह जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, लेड लेते हैं, लेड ये भी सॉलिड में होगा, लेड लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, कॉपर क्लोराइड CuCl2, और हमें क्या मिल जाएगा, PbCl2 प्लस सी, ठीक है। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि क्या कर दिया, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, लेड ने कॉपर को बोला कि तुम भागो, और जिंक ने भी बोला कॉपर को तुम भागो, ठीक है, और वो चले गए, और हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। मतलब यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या किया जा रहा है, मेटल को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, ये तीन रिएक्शन आप अच्छे से याद कर लो, बस इससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, उसी से रिलेटेड है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो तो रहा है, बट कितना हो रहा है, दो दो बार होगा, समझ में आ रहा है, दो दो बार होने वाला है। चलिए पहले हम एक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद हम रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। इन एन अदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब यहां पे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेने वाले हैं। मिक्स द टू सॉल्यूशन, और दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो Na2SO4, ओके। और बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2। ये हमारा दो फॉर्मूला हो गया। अब हमको क्या करना है, बस रिएक्शन परफॉर्म करना है। चलिए रिएक्शन कराते हैं। पहले मैं आपको फिगर बता देता हूं, फिगर बेटर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, इट कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। इसने क्या ले रखा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इसने ले रखा है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब ए रख लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए से टेस्ट ट्यूब बी में हम पोर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्रॉप वाइज क्या कर रहा है, ड्रॉप वाइज नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे मिक्स होते ही यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन परफॉर्म होगा। अब वो रिएक्शन है क्या, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो रिएक्शन होने वाला है वो है Na2SO4 एक्वस, क्योंकि पानी में डिजोल्व कर रखा है हमने, BaCl2 ये भी रहेगा आपका एक्वस। उसके बाद यहां पर आने वाला है BaSO4 आपको प्लस NaCl लेकिन 2, ठीक है। कैसे हुआ ये, आइए देखते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे Na2 था और Cl2 था, SO4 था, Ba था, इन दोनों ने अपने आप में क्या किया है, बॉन्डिंग की है। देखिए देखिए SO4 और Ba, बेरियम और यहाँ पे SO4, दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया अपना, यहाँ पे क्या बना लिया, यहाँ पे बना लिया बेरियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया है,
बेरियम सल्फेट, गॉट इट। आगे चलते हैं, यहां पे क्या बच रहा है हमारे पास, यहां पे बच रहा है एक Na2 और यहां पे यह बच रहा है Cl2। तो हमें पता है NaCl मिलकर के वो क्या करते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है, यानी कंपाउंड है ना। तो ये क्या बना लेंगे, हमारा क्या बन जाएगा यहां पे, सॉल्ट बन जाएगा। तो क्या ये उसी तरह का रिएक्शन है जैसा हमने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस किया था? तो बिल्कुल नहीं, कुछ उस तरह से है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग चीजें शेयर की जा रही हैं। जैसे मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं अगर, तो देखो ए बी एक रिएक्टेंट है प्लस सी डी दूसरा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। ये देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी, कैसे हुआ, तो ए ने क्या किया, सी के साथ बॉन्डिंग कर ली, बी ने क्या किया, डी के साथ। तो इन्होंने एक दूसरे से एक्सचेंज किया ना, और डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, बिकॉज ए ने सी के साथ डिस्प्लेस किया है, बी ने डी के साथ किया है। तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ रहे हो आप। तो यहां पे हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट थे ये दोनों, उन्होंने क्या बनाया, दो प्रोडक्ट बनाया ये, ठीक है। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दो दो बार, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसने इसके साथ कर लिया, इसने इसके साथ कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, और इसीलिए हमें मिल गए कितने प्रोडक्ट, 1 and 2, ठीक है। तो यही है हमारा क्या, डिस्प्लेस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, व्हाट कॉजेस दिस, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba2+, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सोल्यूशन, दिस सच रिएक्शन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ पे आयन्स का जो एक्सचेंज हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, सच रिएक्शन इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि SO4 के पास 2- आयन है, Ba के पास क्या है, 2+ आयन, यहां पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो आगे की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो अगला रिएक्शन होने वाला है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो आपको आपके कोर्स के लिए ही नहीं, ये आपकी डेली लाइफ के लिए भी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, एक हमें चाइना डिश लेना है और उसमें क्या करना है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, कॉपर का एक पाउडर हमें लेकर के उसको हीट करते जाना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, चलिए देखते हैं। यहां पर हमने क्या ले रखा है, ये हमारा एक बर्नर, इसको ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रखा गया है, ऊपर हमारा क्या रखा गया है, वायर, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक चाइना डिश रख देना है। चाइना डिश में यहां पे क्या रखना है, हमें कॉपर रखना है, वो भी कितना, 1 ग्राम, क्लियर। फिर क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि बर्नर जो बर्न कर रहा है किस गैस की प्रेजेंस में बर्न करता है, तो आप सबको पता होगा, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होता है, बर्निंग होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर। तो फिर हम यहां क्या देख रहे थे, यहां पे हमने लिया कॉपर और उसको हमने हीट किया किसमें, चाइना डिश में, और वो ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, ये क्या बना। तो हमें पता है कि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मदद से हम चीजों को जला पाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसी एयर में से ऑक्सीजन को लेकर के हमने जब कॉपर को बर्न किया तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई, मतलब कॉपर ने और ऑक्सीजन ने दोनों ने एक दूसरे से क्या किया, रिएक्ट किया, और क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस हैज, इफ हाइड्रोजन गैस
इज passed over this heated material CuO, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction takes place, the copper is obtained. ऐसा क्या होता है, यहाँ पे हमने जो reaction सबसे पहले perform किया था वहाँ पे क्या था, हमने क्या किया, हमने लिया 2Cu plus O2 और हमारा बन क्या गया 2CuO. ओके, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड जो हमारे पास है ना, इसको हमें क्या कर देना है, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करवाना है. मतलब कि हमने यहाँ पे CuO लिया प्लस हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, H2 गैस. और जब H2 गैस हमने पास किया तो हमारे पास क्या है, हम देखते हैं अगर तो यहाँ पे H2 और O अगर एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे हमें फिर से क्या मिल जाएगा, वहाँ पे मिलेगा हमें कॉपर और प्लस मिल जाएगा वाटर, मिल जाएगा ना. ये रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखो, हमने पहले क्या लिया, 2 ग्राम ऑफ कॉपर लिया, सॉरी हमने ले लिया 1 ग्राम ऑफ कॉपर, कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिला, कॉपर ऑक्साइड को हम अगेन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर प्लस वाटर, ठीक है, फिर से हमको कॉपर मिल गया. मतलब ये रिवर्स हो रहा है, हमें पहले कॉपर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉपर हमें अकेला मिला हुआ था और फिर हमको कॉपर यहाँ पे अकेला मिल गया, ठीक है. तो ये हमारा रिएक्शन हो गया. रिएक्शन को समझ में, अगर रिएक्शन आपके समझ में आ गया हो तो हम अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे. इसी में क्या करना है हमें, यहाँ पे पहले हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, पहले हम एक एक चीज़ की रीडिंग लगाते हैं क्योंकि NCERT में लिखी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ें पढ़नी होंगी. अब यहाँ पढ़िए, पहले सबसे पहले देखिए, इफ़ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन को गेन करे ड्यूरिंग अ रिएक्शन. एक रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज. मतलब ऑक्सीजन को गेन करना, मतलब आप वो ऑक्सीडाइज कर दे रहे हो उसे. इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, अगर वो लूज कर रहा है ऑक्सीजन को ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. अगर वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है अपने पास से, छोड़ दे रहा है, कोई और लेके जा रहा है उसके पास से ऑक्सीजन को, इसको हम बोलेंगे कि वहाँ पे वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड. तो आपको ये चीज़ ध्यान से पकड़ के रखना है, पहले आपको इसको समझना है. आइए फिर से उसी रिएक्शन पे चलते हैं. यहाँ पे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यहाँ पे देखते हैं इस रिएक्शन 1.29 में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. इट इज द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन. यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड था उसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को लूज किया कि नहीं किया, क्योंकि क्या था पहले, पहले क्या था CuO प्लस H2, क्योंकि इसने H2 को क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया है. तो आगे क्या बन रहा है, आगे बन क्या रहा है, कॉपर बन रहा है, कॉपर H2 बन रहा है, शायद अब आपको क्लियर दिख रहा होगा. तो यहां पर फिर से कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की तरफ भेज दिया, जाओ. तो यहां पे इसीलिए क्या दिया जा रहा है, द ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड, का मतलब यहां पे रिड्यूस कौन हो रहा है, यहां पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो जा रहा है. ये क्या हो जा रहा है हमारा, ये रिड्यूस हो जा रहा है. बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रिड्यूस हो रहा है. फिर क्या है आगे, द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज. हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन उसने ऑक्सीजन को ले लिया, गेन कर लिया है, ऑक्सीजन गेन किया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा ना, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है. समझ में आया. तो इन अदर वर्ड, वन रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइज विद वाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन. और अगर ऐसा ही रिएक्शन, ये दोनों ही बातें एक ही रिएक्शन में हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इन शॉर्ट बोल देते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पे क्या बोल देंगे हम उन्हें, रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स में यहाँ पे RE means reduction, RED means
रिडक्शन, और OX मीन्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. गेट इट? तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन क्या है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, और अगर रिडक्शन है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन की मदद से हम अच्छे से समझ लेते हैं एक बार फिर से. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉपर ऑक्साइड प्लस हमने क्या ले लिया था, हाइड्रोजन, और जब हमने उसके साथ रिएक्ट किया तो क्या मिला हमें, कॉपर प्लस एच टू. ओके, हमको ये मिल रहा है. फिर क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर हम, कॉपर के पास पहले तो ऑक्सीजन था, कॉपर के पास पहले क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन अब वो ऑक्सीजन लूज कर चुका है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उसने लूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन. ओके, लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, अब उसके पास ऑक्सीजन है, तो इसने क्या कर लिया है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ये कंप्लीट रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हमने नेमिंग कर दी है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास एक और चीज है समझने के लिए, तो वो क्या है, आइए देखते हैं. इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्स, एक सेकेंड, पहले हमने पीछे का एक रिएक्शन अभी नहीं ध्यान दिया, वो पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको करेंगे. ठीक है, पहले इसको करते हैं. देखिए यहां पे हमारे पास दो और रिएक्शन है, चलिए ये भी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, चलिए करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस हम लेते हैं कार्बन और रिएक्ट कराते हैं, यहां पे मिल जाता है हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे ऑक्सीडेशन कहां हुआ है, तो यहां पे देखिए कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन. कहां पे, यहां पे. ठीक, फिर हम देख रहे हैं जिंक, जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं रह गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रिडक्शन. तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट मीन ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. ठीक, इसमें हमें बताना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था MnO2 के पास, उसने क्या किया, आफ्टर रिएक्शन उसको खो दिया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा. ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन. और HCl में यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है उसके पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, आगे चलो. तो इन चीज़ों को समझने के बाद आखिर हमें क्या क्या बातें और समझनी है. तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस टू Zn इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2. तो ये चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं कि क्या ऑक्सीडाइज है. फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज. तो यहाँ पे एक चीज और ऐड करना है, अगर किसी रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन. और अगर वो ऑक्सीजन को
गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज रिड्यूस। ओके, तो यहां पे हमें इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। तो टॉपिक हमारे पास और जो दो बचे हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये आपके कोर्स से बाहर है, मतलब इसको रिमूव कर दिया गया है, तो हमें इसे नहीं पढ़ना। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास कुछ ब्लू क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके लिए मैं होमवर्क देने वाला हूँ। ये आपका होमवर्क होगा क्योंकि मैंने इसको एक्टिविटी के साथ साथ में आपको समझा दिया था कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक, तो आप इसको क्या करना, होमवर्क में इसको करके रखना। आगे की क्लासेस में हम करेंगे चैप्टर 2, और तब तक के लिए हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।